अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बोनलेस वाइट कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस वाइट कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिए हैं, मैंने थाई का लिया, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं जौन सा भी आपको बोनलेस चिकन चाहिए। इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल करी हूँ, यहाँ पर मैंने जो है मीडियम प्याज लेके उसमें लहसुन अदरक को डाल के और इसका पेस्ट बना लिया है। साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप जितनी क्रीम है। साथ में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप दूध में मैंने तकरीबन 15 से 20 काजू और 15 से 20 बादाम और 2 हरी मिर्चों को लेके इसका पेस्ट बना के ले लिया है। ये मैंने दूध में ग्राइंड किया है, तो 1 कप दूध मैंने इस्तेमाल किया है। साथ में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 कप दही जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है, और इसको मैं बनाने लगी हूँ बटर में। आप चाहें तो अपनी मनपसंद किसी भी ऑयल या घी में पका सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून जो है ये ग्रीन चिली पाउडर लिया है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है फ्रेश ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं 2 टीस्पून जो है इस्तेमाल कर रही हूँ सूखा धनिया, 2 टीस्पून मैं ले रही हूँ काली मिर्च, जायफल और जलवत्री का ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, साथ 1 टीस्पून ही मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला, और इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है बेसन लिए हैं और इसको मैंने भून लिया, तो इसको जो है इसको भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और साथ में जो है मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है मैंने लिया है ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, 1 तेज़पात का पत्ता और 3-4 लौंग। तो चले आए अब इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बटर मेल्ट हो चुका है, तो इसमें जो है मैं तमाम खड़े साबुत गर्म मसालों को शामिल कर देती हूँ और इसको जो है कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसको इसमें पका लेती हूँ। थोड़ा सा इसको पका लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब इसको जो है मैंने आधे सेकंड के लिए पका लिया था। अब इसमें जो है ये प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने। अब इसको जो है थोड़ा सा हम भून लेते हैं कि प्याज का जो है कच्चापन जो है इसमें ख़त्म हो जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया और बहुत ही ज़बरदस्त जो है खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब हम जो है तमाम चिकन इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको जो है अच्छा सा भून लेंगे उस वक्त तक जबकि हमारा तमाम चिकन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो इसको मैं अच्छा सा भून लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है इसे कलर चेंज हो गया है और ये अच्छा सा पक गया है। हाँ, मैंने आपको जितने मसाले बताए थे और चिकन क्यूब और बेसन उन सबको मैंने दही में अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अगर आप चिकन क्यूब नहीं यूज़ करना चाहते, ये ऑप्शनल ही है, तो इसकी जगह आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक जो है नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी पसंद से जितना आपको नमक पसंद है उस हिसाब से आप अपने इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब ये दही के साथ तमाम मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे और इसको शामिल करके और इसको भी हम इसके साथ थोड़ा सा पका लेते हैं। इसको भी 5 से 7 मिनट तक मैं अच्छा सा पका लेती हूँ, थोड़ा दही का पानी इसमें खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये दही के साथ भी अच्छा सा पक गया है और ऑयल आपको नज़र आने लग गया है। तो बस इस वक्त जो है इसमें हम ये काजू बादाम और दूध को शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छा सा मिक्स करके इसको भी मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो इसको भी हम अच्छा सा मिक्स करके और इसको भी भून लेंगे। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि चिकन बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए इसको जो है आप हाई फ्लेम पे ही रख के पकाइएगा। तो अब जो है इसको भी मिक्स करके इसके साथ अच्छा सा कुक कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें दूध और काजू और बादाम डाल के अच्छा सा भून लिया, और इसको जब आप भून रहे हो तो इसमें आप मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा, वरना जो आपकी ग्रेवी है आपके पैने के साथ जो है वो लग सकती है क्योंकि जो काजू और बादाम है वो नीचे चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो है इसको मैंने अच्छा सा भून लिया, तमाम पानी अब खुश्क हो गया, तो अब इसमें जो है मैं क्रीम को ऐड कर दूंगी और क्रीम को ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको भी जो है थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
अब हमने क्रीम डाल के अच्छा सा मिक्स इसको कर लिया था और 2 से 3 मिनट मैंने इसको पका लिया है बिल्कुल लो हीट करके, और ढक के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको और पकने देंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार जो है चिकन वाइट बोनलेस कढ़ाई बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसको जो है मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन बोनलेस वाइट कढ़ाई बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।